माइक्रोबियल ड्रग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फाइंड की जाती हैं और उन्हीं की जो ग्रोथ है उसको सप्रेस करती हैं या उन्हीं को डिस्ट्रॉय करती हैं, क्या कहलाती हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसकी क्या कहानी है? तो देखो, एक साइंटिस्ट थे पॉल एहरलिक। ठीक है, पॉल एहरलिक जो थे एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक्स बनाने की कोशिश की जब वो आर्सेनिक के कंपाउंड पर काम कर रहे थे। ओके, जो एंटीबायोटिक्स उन्होंने बनाई थी वो फर्स्ट टाइम सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई थी। सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए, सिफिलिस क्या है? एक STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि इन्होंने जो है कौन सी बनाई, तो फ्रेंड्स इन्होंने सबसे पहले आर्स फेनामाइन बनाई और जिसको हम सिल्वर सैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये थी कि जो आर्स फेनामाइन या जो सिल्वर सैन है ये ह्यूमन बॉडी में क्या थी, टॉक्सिक थी ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, तो फिर इन्होंने जो है इसको और मॉडिफाई किया और क्या बनाई, प्रोंटोसिल बनाई। तो फ्रेंड्स अब ये प्रोंटोसिल क्या करती है, प्रोंटोसिल इन्हीं की एनालॉगस होती है, स्ट्रक्चरली इनके अंदर सिमिलरिटी होती है और ये हमारी जो बॉडी के अंदर जाकर के प्रोंटोसिल सल्फेनिल एमाइड में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स सल्फेनिल एमाइड का ही प्रिकॉसर्स हमने बनाया था, वो था सल्फाप्रिडिन। ठीक है, जो कि सल्फेनिल एमाइड का क्या होता है, एनालॉगस होता है सल्फापायरिडिन। ठीक है, अब देखो सल्फापायरिडिन बना दिया, तो यहाँ तक जो है ये जो पॉल एहरलिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो वर्क किया था, जो आपका एज इट इज इस तरीके से NCERT में दिया है सीक्वेंस में, आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और फ्रेंड्स आप इनको सिर्फ ध्यान से सुनना और आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा ही चैप्टर जो है एकदम ग्रिप हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं कि इसके बाद जो एक एंटीबायोटिक्स जो है बहुत रिवॉल्यूशन आया, कब से, जब से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है सेकंड विश्व युद्ध के टाइम पे जो वो काम कर रहे थे वहाँ पे, है ना, पेनिसिलियम जो फंजाई थी उस पर वर्क कर रहे थे, तो उन्हें जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स क्या है वहाँ से आइडेंटिफाई की। ओके, अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, अब देखो जो एंटीबायोटिक्स है ना वो कैसे काम करती हैं। अब मान लो हम बैक्टीरिया पे इनका फंक्शन देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखो या तो ये बैक्टीरिया को किल करेंगी यानी साइड इफेक्ट होगा, या ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देंगी यानी स्टैटिक कर देंगी या इनहिबिट कर देंगी। तो इस प्रकार से हम इसमें दो डिवाइडेशन करते हैं इसके, बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो फ्रेंड्स देखो बैक्टीरियोसाइडल के एग्जांपल्स क्या हैं फ्रेंड्स, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और ओफ्लैक्सिन। ठीक है, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और ओफ्लैक्सिन। बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जांपल क्या हैं फ्रेंड्स, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं ETC। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स, देखो जो एंटीबायोटिक्स जो हमने आइडेंटिफाई की हैं, तो फ्रेंड्स बात ये आती है कि देखो प्रत्येक एंटीबायोटिक्स डिफरेंट तरीके से काम करती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पे काम करती है। ठीक है, तो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो, अब देखो बैक्टीरिया जो होते हैं ना हमारे दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बायो में पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर दे या उनकी ग्रोथ उनको क्या कर दे, किल कर दे। ठीक है, तो उनको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, VSA, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, NSA। ये क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसी एंटीबायोटिक्स जो या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को की ग्रोथ को सप्रेस करे या उनको किल करे या ग्राम नेगेटिव को करे, माने किसी एक वैरायटी को, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। ठीक है, फिर आते हैं फ्रेंड्स लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, माने ऐसी एंटीबायोटिक जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे काम करे तो उसे क्या कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे काम करे तो उसे कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है क्लोरामफेनिकोल, ओफ्लैक्सिन, बैंकोमाइसिन,
एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, क्या है, आओ बी सी पाओ ई टी सी। ठीक है, आओ बी सी पाओ ई टी सी। तो देखो मैंने इसमें एक साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक के एग्जाम्पल जो है रिकॉल याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई, आओ बी सी पाओ ई टी सी। तो आओ ए डबल ए एम्पिसिलिन एमोक्सिलिन ओ फोर ओफ्लैक्सिन, बी सी वी सी है ना बैंकोमाइसिन और सी फोर क्लोरम फेनिकॉल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पाओ ई टी सी, पाओ पी ए पेनिसिलिन ए फोर एमिनोग्लाइकोसाइड और ओ फोर ओफ्लैक्सिन। ठीक है, फिर उसके बाद ई टी सी ई फोर एरेथ्रोमाइसिन टी फोर टेट्रासाइक्लिन सी फोर क्लोरम फेनिकॉल। ओके, जो कि हमने अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले में देखी थी। फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की एग्जाम्पल, इसका एक ही एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। ओके, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के डेसी डेजेरिन। ये फ्रेंड्स जो कैंसर सेल होती हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए दी जाती है, कैंसर सेल के लिए यूज करते हैं उनकी स्टैंड में उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, तो डेसी डेजेरिन। ठीक है, यहाँ तक हमारी क्या हो गई एंटीबायोटिक्स।